हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे टॉर ब्राउज़र के बारे में। बेसिकली आपको मालूम होगा टॉर ब्राउज़र कहाँ और कैसे यूज़ में लेते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं टॉर ब्राउज़र जब भी हम नया से इंस्टॉल करते हैं तो उसमें एक एरर मैसेज आती है। तो चलिए आज उसको फिक्स करते हैं। तो चलते हैं अपने काली नेट सिस्टम के ऊपर और इसे फिक्स करते हैं। तो ये मैं आ गया अपने काली लिनक्स सिस्टम के ऊपर, और आप यहाँ पे देख सकते हैं एक टॉर ब्राउज़र का एरर मैसेज आया हुआ है। तो इसे कैसे फिक्स करें, तो चलिए सबसे पहले इसे हम क्लोज़ कर देते हैं और चलते हैं टॉर ब्राउज़र के फोल्डर पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉर ब्राउज़र का आइकन है। मैं जैसे इसे स्टार्ट करता हूँ ये स्टार्ट नहीं होता और ये एरर मैसेज आती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्राउज़र का एक फोल्डर है, इसे में आ जाएं आप। और यहाँ से आप देखें स्टार्ट ब्राउज़र का एक स्क्रिप्ट है, इसे आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर लें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ओपन हो चुका है, और आप सीधा यहाँ से नीचे आ जाएं। और आपको यहाँ पे एक लाइन दिख रहा होगा, इसके ऊपर आप देखें एक ज़ीरो है, उस ज़ीरो को हटाकर आप वहाँ पे वन कर दें और इसे सेव कर दें। इसे मैं कर देता हूँ क्लोज़, और चलते हैं टॉर ब्राउज़र के फिर से उसी आइकन पे और इसे स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल अभी तक तो कोई एरर मैसेज नहीं आया, देखते हैं स्टार्ट होता है कि नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, ये स्टार्ट हो चुका है, और अब यहाँ से हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा टॉर ब्राउज़र ओपन हो चुका है और आप इसे अब यूज़ में ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर कुछ भी कमेंट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।